ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड बैरियर फॉर्मेशन इन पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है और उसमें बैरियर फॉर्मेशन कैसे बनती है, ये टॉपिक आप प्लस टू में पढ़ चुके हो। इसको रिपीट करते हैं बीएससी के अंदर फिर से। नाउ इन पी एन जंक्शन डायोड हम जानते हैं वन रीजन इज अ पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड एडजेकेंट रीजन, डेट इज उसके साथ वाला जो रीजन है डेट इज अ एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड द इंटरफेस सेपरेटिंग द एन एंड पी रीजन्स इज कॉल्ड मेटलर्जिकल जंक्शन। और जो इंटरफेस पी रीजन और एन रीजन को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। इसको डायग्राम में आप देख सकते हैं इजिली फिगर नंबर वन के अंदर। ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और जो ये इंटरफेस है इसे हम बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। क्लियर है? मेटलर्जिकल मतलब एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसा इंटरफेस जो दो मेटल जैसी सब्सटेंसेस को कनेक्ट किया होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नाउ एज वी नो इन पी रीजन, हम जानते हैं पी रीजन में होल्स मेजोरिटी में होते हैं वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम, क्यों होते हैं पी रीजन में होल्स मेजोरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि पी रीजन के अंदर हमारे पास ट्राइवेलेंट की डोपिंग करते हैं और वहां पर एक वैकेंसी साइट फ्री हो जाती है, यानी कि होल फ्री हो जाता है। सिमिलरली इन एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मेजोरिटी में होंगे और होल्स क्या होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि एन रीजन में हम डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट एटम्स की जिनमें हमारे पास पर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखिए ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मीनिंग होता है कि लार्ज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू साइड्स ऑफ पी एन जंक्शन। मतलब जो हमारे पास ये जंक्शन है इसके इस तरफ और इस तरफ, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर होल्स ज़्यादा है और यहाँ पर होल्स कम है, तो होल्स के नंबर में डिफरेंस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो इस इंटरफेस के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस आ गया, यानी कि लार्ज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑन टू साइड्स ऑफ पी एन जंक्शन। ओके, नाउ डिफ्यूजन ऑफ पी रीजन एंड नाउ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर बिगिंस। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस जब होगा तब ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर होल्स ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स कम है, तो होल्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे कब तक, जब तक दोनों तरफ होल्स बराबर ना हो जाए। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे कब तक, जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर डेंसिटी है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, सिमिलरली होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास मेटलर्जिकल जंक्शन है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर एन एच शो करता है कि पी रीजन के अंदर होल्स की कंसंट्रेशन, यानी कि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही एन ई इंडिकेट करता है एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होंगे, क्योंकि होल्स यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या मेटलर्जिकल जंक्शन है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस वेन देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन टू साइड्स ऑफ एन इंटरफेस। इंटरफेस के दो साइड्स में जब सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तब हमारे पास डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे, नाउ एज देयर आर नो एक्सटर्नल कनेक्शन,
हमने बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की है और ना हमने कोई बाहर वायरिंग की है, तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैन नॉट कंटिन्यू इनडिफिनेटली। इसका मतलब क्या है कि लंबे समय तक डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं रहेगा, एक समय बाद ये बंद हो जाएगा। इसका कारण क्या है देखते हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इन द सेम वे, और जब होल्स डिफ्यूज करते हैं पी रीजन से, जब होल्स पी रीजन से चले जाएंगे, होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो व्हाट वी सी दैट पी रीजन से जब होल यहां से यहां गए, यहां बचा नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास है मेटलर्जिकल जंक्शन। ठीक है, तो जब होल्स यहां से इसको पार करके यहां जाएंगे तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन द सेम वे, जब इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में से यहां मूव करेंगे इस जंक्शन के अक्रॉस, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ दिस नेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज इन पी एंड एन रीजन्स इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं प्लस टू में हमने पढ़ा था भी, जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन करता है इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ठीक है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा, एक और फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट इज जो हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट फोर्स है। और ये ड्रिफ्ट फोर्स अब क्या होता है, ड्रिफ्ट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच टेक्स प्लेस ऑन चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या होल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट फोर्सेज। अब देखिए ड्रिफ्ट फोर्सेज इलेक्ट्रॉन्स पे कहाँ से कहाँ लग रहा है, वो लग रहा है पी रीजन से एन रीजन की तरफ, यानी कि पी से एन की तरफ। और अगर बात करें ड्रिफ्ट फोर्स होल्स पे कहाँ लग रहा है, वो लगेगा एन रीजन से पी रीजन की तरफ। ठीक है, द अबोव नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन्स अपोजिस द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यू कैन सी दैट होल्स के ऊपर डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और होल्स पे ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ, यानी कि अपोजिट है, डिफ्यूजन यहाँ पे है, ड्रिफ्ट यहाँ पे अपोजिट है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स पे डिफ्यूजन इस तरफ है और ड्रिफ्ट इस तरफ है, यानी कि हम वी कैन सी दैट डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे द अपो नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन अपोजिस द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो जो ये चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं ये क्या करेंगे, अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को रोक रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं बैरियर, यानी कि बाधा। ठीक है, एज दिस रीजन इज डिप्लेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और हम ये जानते हैं कि इस रीजन के अंदर अब कोई होल्स नहीं बचे हैं और ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो यानी कि इन्हें बोलते हैं डिप्लीट होना, खत्म हो जाना, तो इसलिए सीजन को हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू।